गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग के प्रीवियस वीडियो में जो ये लेसन 7 कारक पढ़ा रही थी, तो कारक में मैंने आप लोग को ये बता दिया था कि परसर्ग और कारक के विभक्ति चिन्ह किसे कहा जाता है, क्या होते हैं कारक, ठीक है। तो भेद भी मैंने उसके बता दिए थे कि इसके 8 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो कर्ता कारक काम को करने वाला जो होता है, जैसे मोहन लिख रहा है, तो मोहन क्या कर रहा है, लिख रहा है। मोहन का काम क्या है, लिखना। लिखना क्या हो गया, कर्म हो गया। लेकिन जो कर्म करता है यानी कि जो काम करता है वो कौन हुआ, कर्ता हुआ। जैसे कि यहाँ पे मोहन लिख रहा है, ठीक है। अब इसमें मोहन क्या हो गया, मोहन हो गया कर्ता, ठीक है, क्योंकि ये काम कर रहा है। तो काम को करने वाला कौन होता है, कर्ता होता है। और लिखना, लिखना क्या हो गया, इसका कर्म है, ठीक है। लिखना क्या हो गया, इसका कर्म है। और रहा है, ये क्या हो गया, क्रिया हो गया, ठीक है। और जिसकी सहायता से लिखा जाता है, अब मैं यहाँ पे अगर बीच में लिख देती मोहन पेन से लिख रहा है, तो जिसकी सहायता से लिखा जाता है वो क्या हो जाता है, वो सहायता में काम किया, जिसकी सहायता से काम किया जाता है, ठीक है। तो ये मोहन ने कौन है, कर्ता है। और ये कर्ता का फल किसके ऊपर पड़ रहा है, कर्म के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो कारक के भेद, तो कारक के कितने भेद है, 8 भेद है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ठीक है। इन सब के अर्थ भी दिए हुए हैं। कर्ता कारक का अर्थ मैंने भी बताया, काम को करने वाला होता है। कर्म कारक का अर्थ होता है किए गए काम का फल जिस पर पड़ता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम के द्वारा मारने का फल किस पे पड़ा हुआ है, रावण पे पड़ा हुआ है ना। तो रावण क्या हो गया, कर्म हो गया। करण कारक यानी कि जिसकी सहायता से कुछ काम किया जाता है, ठीक है। मैं ट्रेन से दिल्ली गई, या मैं ट्रेन के द्वारा दिल्ली गई, तो इसमें ट्रेन क्या हो गया, मेरी सहायता करने वाला हो गया, है ना, जिसकी सहायता से मैंने ये काम किया है, तो ये करण कारक हो गया, ठीक है। संप्रदान कारक वो होता है बच्चों जिसके लिए कुछ किया जाए, या जिसे कुछ दिया जाए, ठीक है। अब जैसे कि राधा अपने भाइयों के लिए चॉकलेट लाई, तो राधा क्या की, अपने भाइयों के लिए कुछ लाई है, कुछ काम किया है, तो के लिए जो है वो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। अपादान कारक वो होता है एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होना, पृथकता दर्शाता है। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरे, अब पेड़ से पत्ते गिरे, ये इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अब इसमें पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो पृथक मतलब अलग होना। पृथक का अर्थ क्या होता है बच्चों, अलग, ठीक है, होना। पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो ये से शब्द जो है पृथकता दर्शा रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये हो गया अपादान कारक। इसका अर्थ ही होता है, अगर कोई पूछते पृथकता दर्शाने वाले कारक का नाम बताए, तो वो कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है संबंध कारक। तो संबंध कारक एक चीज का दूसरे चीज से संबंध, ठीक है। जैसे कि ये राधा की बहन है, ये राधा का भाई है, ठीक है। तो का की के शब्द जो होते हैं वो संबंध, यानी कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में संबंध दर्शाते हैं। अधिकरण कारक वो होता है कि जिस क्रिया के होने का आधार, यानी कि जहाँ पे काम हो रहा है वो जगह। जैसे कि अलमारी में कपड़े रखे हैं, तो कपड़े कहाँ रखे हैं, अलमारी में रखे हैं। अधिकरण दर्शाता है, उसका स्थान दर्शाता है। या मेज पर चाय रखी हुई है, तो वो क्या हो जाता है, में और पर जो है वो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। संबोधन कारक किसी को बुलाना या पुकारना, ये तो आप लोग को पता ही होगा, संबोधन करना। जैसे हे भगवान, तो हम क्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं और उन्हें बुलाते हैं, अरे तुम इधर आना, अपने मित्रों को बुलाते हैं ना, तो वो क्या होता है, संबोधन कारक होता है। तो ये हमारे 8 कारक है और उनके विभक्ति चिन्ह है। कर्ता कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो, यानी कि काम करने वाले का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है, ने है। कभी कभी कर्ता का चिन्ह लोप भी रह जाता है। अब देखिए, मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया है मोहन लिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए लोप, यानी कि कभी कभी कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह है वो हट जाता है। जैसे गाय ने दूध दिया, रेखा पढ़ती है, ठीक है, तो गाय ने दूध दिया, यहाँ पे क्या है, दूध देने वाला कौन है, क्रिया करने वाला कौन है,
करता ये है गाय है तो दूध दिया, तो ने जो विभक्ति चिन्ह इसमें है लेकिन रेखा पढ़ती है इसमें क्या हुआ है, रेखा के साथ कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं लगा, रेखा क्या है करता है लेकिन यहाँ पे जो ने है उसका लोप हो गया, उसके विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया यानी कि वो विभक्ति चिन्ह हट गया है। कभी कभार विभक्ति चिन्ह कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह नहीं आता है, ठीक है। पहले वाक्य में कर्ता इसमें देख लीजिए, उसके बाद है कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है, कर्म कारक वाक्य में जिन वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है, कभी कभी वाक्यों में को का प्रयोग नहीं होता है। जैसे शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं तो शिक्षक किसको, शिक्षक के कार्य का फल किसके ऊपर पड़ रहा है, छात्रों के ऊपर पड़ रहा है। बिल्ली ने चूहा पकड़ा, बिल्ली का कार्य का फल किसके ऊपर पड़ रहा है, चूहे के ऊपर पड़ रहा है ना। तो ये क्या है, हमारा कर्म कारक है। तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी आ सकता है बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, है ना, यहाँ पे को भी तो आ सकता था लेकिन यहाँ पे को चिन्ह का लोप कर दिया गया है, ठीक है। तो कभी कभार कर्म कारक में ने चिन्ह का लोप हो जाता है, विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, और कभी कभार कर्म कारक में को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। उसके बाद आता है बच्चों आप लोगों का कर्म कारक। वाक्य में करता जिस साधन से काम करता है, जैसे अभी मैंने बताया मैं ट्रेन से दिल्ली गई, तो इसमें से और के द्वारा, मैं हवाई जहाज द्वारा मुंबई गई तो के द्वारा, मैं पेन द्वारा लिख रही हूँ, मैं छड़ी द्वारा चल रही हूँ, तो ये सब जो है से और के द्वारा, ये जो दो शब्द है वो क्या है, किसके विभक्ति चिन्ह है, ये संप्रदान कारक के विभक्ति, कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह है। यानी कि वाक्य में कर्ता जिस साधन का, कर्ता यानी कि काम करने वाला, आप लोगों को पहले बता दें कि जिस साधन का प्रयोग करता है उसको कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। उसका चिन्ह क्या होता है बच्चों, से के द्वारा तथा के जो है के साथ, ये जो है इसका विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। अब आता है संप्रदान कारक, आप लोगों को ये विभक्ति चिन्ह याद रखना है किसका कौन सा है, ठीक है। संप्रदान कारक आता है वाक्य में करता है जिसके लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके लिए तथा इसके लिए के लिए तथा को है, इसके लिए जो चिन्ह है वो क्या है, के लिए और को, ये विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। तो वाक्य में करता है जिसके लिए कार्य करता है, जैसे कि मैं भी बताई थी राधा अपने भाइयों के लिए चॉकलेट लाई, है ना। जैसे अब इसमें मैंने क्या बोला, राधा अपने भाइयों के लिए चॉकलेट लाई, ठीक है। अब इसमें देखिए के लिए शब्द जो है वो क्या है, तो वाक्य में करता जिसके लिए कार्य कर रहा है, किसके लिए कार्य कर रहा है, अपने भाइयों के लिए कार्य कर रहा है ना। तो क्या हो गया, ये संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह हो गया, यानी कि कर्ता कौन है, राधा है, और कर्ता किसके लिए कार्य कर रही है, अपने भाइयों के लिए, ठीक है, कार्य कर रही है। तो कार्य के लिए जिसके लिए कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, ठीक है। इसके और भी दो उदाहरण देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का आपादान कारक। तो संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु से दूसरे वस्तु को अलग होना, वो मैंने बताया पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, आपादान कारक होता है। उसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, एक ही होता है से, ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। जैसे आकाश से बादल बरस रहे, तो आकाश से जल बरस रहा है, ठीक है, तो आकाश से जल का क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, ठीक है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो इसमें हिमालय का हिमालय के जल का गंगा से निकलना अलग पृथकता दर्शा रहा है। संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात होता है वहाँ संबंध कारक होता है। इसके लिए चिन्ह का, इसके चिन्ह को याद करना है। संबंध कारक में बहुत सारे विभक्ति चिन्ह हैं। देखिए यह अजय का घर है, इनकी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध, या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, ठीक है, तो यह अजय का घर है, तो ये संबंध किसका दर्शा रहा है, अजय का और उसके घर का संबंध दर्शा रहा है। गौरव के पिताजी बाहर बैठे हैं, तो किसका संबंध दर्शा रहा है, गौरव और उसके पिताजी का संबंध इसमें दर्शाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। तो मैंने अभी बताया था कि स्थान दर्शाता है, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से
क्रिया का आधार यानी कि काल या स्थान ज्ञात होता है, समय भी ज्ञात होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह में व पर हैं। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे, तो इसमें किसका बोध हो रहा है बच्चों? इसमें स्थान का बोध हो रहा है। अलमारी में कपड़े रखे तो इसमें किसका बोध हो रहा है? स्थान का बोध हो रहा है। ठीक है, मेज पर किताब रखी है तो इसमें किसका बोध हो रहा है? स्थान का बोध हो रहा है, किताब के स्थान का। रमन अमन तथा निकिता झूले पर बैठे, इसमें भी स्थान का बोध बताया जा रहा है। ठीक है, तो में और पर जो है वो किसका, कौन से कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। संबोधन कारक, तो आपको पता है किसी को पुकारना या बुलाना है ना, तो किसे कहा जाता है? संज्ञा, या संज्ञा का वह रूप जिससे किसी को पुकारा या बुलाया जाए या सावधान किया जाए, संबोधन कारक कहलाता है। इसका चिन्ह है जैसे रमन कहाँ जा रहे हो, हे भगवान सबको सद्बुद्धि दो। ठीक है, तो इसमें हे और रमन, इसमें तो रमन है, लेकिन अगर किसी को बुलाना है अरे इधर आओ, तो उसमें अरे और हे विभक्ति चिन्ह दो ही हैं संबोधन कारक के। ठीक है, तो आप लोगों को कंफर्म हो गया कि कारक किसे कहा जाता है? तो कारक कहा जाता है बच्चों दो वाक्य को जोड़ने वाले या दो शब्दों को जो आपस में जोड़ने वाले या एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध प्रकट करवाने वाले शब्दों को कारक कहा जाता है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से किया जाता है, उन शब्दों को, उन विभक्ति चिन्हों को कारक या परसर्ग कहा जाता है। ठीक है, आप लोग कारक और परसर्ग में कंफ्यूज मत होइएगा, कारक और परसर्ग एक ही है। ठीक है, कारक के विभक्ति चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करेंगे और इसके एक्सरसाइज को भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट डे मैं आप लोग को इसका एक्सरसाइज भेज दूंगी। ओके, थैंक यू।